नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है स्टेयर्स। मेरे पास मैसेज आया है जिसमें पूछा गया है कि हमारी स्टेयर्स घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है, क्या हमें उस स्टेयर्स को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, और उसके क्या हम उपाय कर सकते हैं। आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेयर्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। कभी भी नॉर्थ ईस्ट के भाग में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट के भाग में तोड़फोड़ होती है तो कई प्रकार की परेशानी आती है। हॉस्पिटलाइज होने के कारण बन सकते हैं, घर में झगड़े हो सकते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं मोटे पैसे का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कुछ सरल उपाय बताना चाहूँगा। आपकी स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है तो आप छोटे छोटे अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट के भाग में जो स्टेयर्स बनी हुई है उसमें वो उपाय कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। जो उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो उपाय बिल्कुल ईजी वे में हर व्यक्ति अपने यहाँ कर सकता है। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स बनी हुई है, आपने ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक स्टेयर्स में जो भी सामान रखा है, चाहे आपका जूते का रैक है, चाहे आपने वैसे सामान रख रखा है, या आपने स्टेयर्स के नीचे पानी की मोटर लगवाई हुई है, उसके नीचे ठोस प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, तो वो आपने हटवाना है। या आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में इन्वर्टर रखा हुआ है, यानी स्टेयर्स के नीचे इन्वर्टर रखा हुआ है, तो आपने उस इन्वर्टर को भी वहाँ से हटवाना है। कुछ जगह ऐसे भी देखने में आती है, जगह के अभाव में स्टेयर्स के अंदर यानी जो स्टेयर्स की चौकी बनती है उसके ऊपर अलमारी रख दी जाती है। यदि आपने वहाँ पर अलमारी रखी हुई है या एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है या आपने उस एरिया में स्टोर बनाया हुआ है तो आप उस सारे सामान को वहाँ से ज़रूर हटाएं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, जो आपकी स्टेयर्स है वो ऊपर से लेकर नीचे तक यानी टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक कंप्लीट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक काम और करना है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के भाग में जब स्टेयर्स बनती है तो ऊपर छत के ऊपर जाने के बाद ममटी बनती है। यदि आपकी ममटी के ऊपर पानी के ओवरहेड टैंक रखे हुए हैं तो मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप वो पानी के टैंक वहाँ से हटाकर अपने घर के साउथ वेस्ट के भाग में वेस्ट की दीवार के साथ रखेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसी के साथ आपको एक काम और करना है, जो आपकी सीढ़ियों की जो ममटी है उसकी जो छत है उस छत की भी आपने क्लीनिंग करनी है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, गर्म हवाएं हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जब आपकी स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनती है तो ग्राउंड फ्लोर पर नीचे के भाग से खुली होती है और स्टेयर्स जैसे जैसे ऊपर जाती है तो छत के ऊपर जाने के बाद जो सीढ़ी की ममटी बनती है, जो कमरा बनता है, वो गर्म हवा नीचे से उठ के ऊपर के भाग में इकट्ठी हो जाती है। ऐसे में आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग हमेशा के लिए गर्म हो जाता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जो आपका ममटी के अंदर गेट लगा हुआ है उसके अंदर आपने एक जाली निकलवानी है ताकि गर्म हवा वहाँ से बाहर निकल जाए। आपकी ममटी में नॉर्थ के भाग में वेंटिलेटर लगने की जगह है, या ईस्ट के भाग में, या वेस्ट के भाग में, या साउथ के भाग में, जहाँ पर भी आपको ये लगता है कि आप अपनी ममटी के अंदर वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर लगा सकते हैं, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप अपनी ममटी की छत से टच करते हुए वेंटिलेटर जरूर लगाएं, और हो सकता है तो वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी ज़रूर लगाएं। कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है कि ममटी के अंदर खिड़कियाँ भी लगाई हुई होती है। यदि आपके यहाँ खिड़की लगी हुई है तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप उस खिड़की को ज़रूर खोलें ताकि जो वो गर्म हवा है वो खिड़की से दरवाजे से बाहर निकल जाए, या आप जो वेंटिलेटर लगाएंगे वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो उनसे भी आपके यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के भाग में गर्म हवा इकट्ठी हो जाती है उस एरिया को गर्म कर देती है, तो वो गर्म हवा आपकी बाहर निकल जाएगी। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये उपाय करने से आपको नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई स्टेयर्स का जो दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स बनती है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 3 से 4 स्टेप के ठोस प्लेटफॉर्म बन जाते हैं तो उसके कारण जो आपके अपने डिसीज़न होते हैं उन डिसीजंस में आपके कमी आनी शुरू हो जाती है, यानी आपके जो डिसीज़न है वो अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न के कारण आपके पैसे का नुकसान होता है, आपके व्यापार में नुकसान बनता है। इसलिए
नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेट्स को अच्छा नहीं माना जाता। आपकी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है और आपने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बनाया हुआ है, तो उसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर, जो सेकंड फ्लोर पर रहता है, उनका जो आना जाना होता है वो घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग से हो जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट के भाग में स्टेयर्स बनने से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट के भाग से आता जाता है हमेशा उसकी किस्मत खुलती है, उसका भाग्य जागता है। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आपकी अपनी जो स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनी हुई है, तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये उपाय कर लेते हैं तो कन्फर्म है आपके यहाँ बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय आपने अपने यहाँ पर करने हैं। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके साथ वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की बातें शेयर करता रहता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप अपने सर्कल में भी शेयर जरूर करें, हो सकता है मेरी ये वीडियो देखकर किसी व्यक्ति का फायदा हो जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।